हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि, कैसे हो आप सब लोग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ सेरम के बारे में। सेरम क्या होता है, सेरम क्यों ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, सेरम क्या काम करता है, कितने तरह के सेरम्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि जैसे मैं बिगनर थी तो मैं सिर्फ क्रीम और लोशंस वगैरह यूज़ करती थी। जब से थोड़ा सा मैंने स्टडी करा कि एक्चुअल में CTM रूटीन क्या होता है और कितने तरह के टोनर्स होते हैं, कितने तरह के सेरम्स होते हैं, तब मुझे पता चला कि एक एक प्रोडक्ट का अपना एक रोल होता है आपकी स्किन के लिए। तब थोड़ा सा मैंने स्टडी किया या सेरम भी काफ़ी, उनका सेरम का क्या काम होता है। देन आई स्टार्टेड यूजिंग सेरम्स और मुझे काफ़ी टाइम हो गया सेरम यूज़ करते हुए। एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि सेरम यूज़ करने के बाद जैसे कि, मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट चेंज, ड्रास्टिक चेंज होता है, वैसे ही मेरी स्किन पे हुआ है। पहले मुझे थोड़े एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन अब जब से मैंने शुरू करा ये सेरम लगाना, उसके बाद से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो गई है। मतलब कहते हैं ना, अंदर से ब्राइटन अप हो गई है। देखो, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेरम होता क्या है। मैं फ़िलहाल के लिए, देखो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने जस्ट, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पर्पल हॉल डाला था, उसमें मैंने ये कुछ दिनों पहले ही परचेज़ किया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए करंटली मैं ये वाला सेरम यूज़ कर रही हूँ, रोज़ हिप सेरम। मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये मेरा, मतलब जैसे कहते हैं ना, फ़र्स्ट टाइम परचेज थी फ्रॉम purple.com। और फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हैं, तो इनको कभी यूज़ नहीं किया था, तो अभी यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं कुछ दिनों के बाद डालूंगी, लेकिन मैंने और भी सेरम्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं अलग ब्रांड्स के, तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली सेरम क्या काम करता है, सेरम होता क्या है। सेरम इज़ अ स्किन केयर प्रोडक्ट। और देखो, आपने देखे होंगे जब भी कोई सेरम आप लेने जाओगे, सेरम की जो बॉटल आएगी वो हमेशा इतनी छोटी सी आएगी, 10 to 15 ml में आएगी, कभी भी आप कोई बड़ी बॉटल नहीं देखोगे। तो इस बॉटल में आपको क्या लगता है, इतनी छोटी सी बॉटल में जो लिक्विड होता है, ये आपके स्किन पे कैसे काम करता है, कैसे वंडर, कैसे, मतलब जो होता है, इतना बेनिफिट कैसे आता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है। जो इस बॉटल के अंदर लिक्विड है वो है एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस लिक्विड में, इस जो फॉर्मूला में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हैं कि अगर आप ज़रा सा भी सेरम लगाओगे अपने फेस पे, तो वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे कि क्रीम्स और लोशंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डलते हैं मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे कि वो आपके स्किन के अंदर नहीं जाते, लेकिन जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बारीक और छोटे होते हैं, ताकि वो पोर्स के अंदर आराम से आपकी स्किन में चले जाते हैं और आपकी स्किन को जो है अंदर से ब्राइटन अप करते हैं। तो ये होता है सेरम। सेरम इज़ अ स्किन केयर प्रोडक्ट, और इसके जो अंदर लिक्विड होता है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब ज़रा सी भी ड्रॉप में काफ़ी सारा आपके फेस के लिए, मतलब बेनिफिशियल ऑयल होता है। अगर आप अपने फेस पे लगाओगे तो आपकी फेस जो है अंदर से ब्राइटन अप होगा, ग्लो करेगा आपका फेस। तो अब बात करती हूँ मैं टेक्सचर के बारे में, सेरम्स होते कैसे हैं। देखो, अगर आप कोई भी ब्रांड के सेरम लोगे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई भी ब्रांड का आप सेरम लोगे, देखो वो इस तरीके से ऐसे लिक्विडी फॉर्म में होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट मतलब बहुत ही पतले होते हैं, और आपके स्किन पतले इसलिए होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं, आपके स्किन में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके स्किन में डीपली जाके पेनिट्रेट करते हैं, जिससे कि आपकी स्किन अंदर से बेहतर होती है। अब बात करते हैं सेरम करता क्या है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेरम एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, और इसके अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। और जैसे कि हम क्रीम्स और लोशंस वगैरह लगाते हैं, क्रीम्स और लोशंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी जो लिक्विड है, ये छोटे छोटे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको मिलाकर एक लिक्विड बनता है, यही मॉलिक्यूल्स क्रीम्स और लोशंस में भी होते हैं, लेकिन उसमें वो थोड़े से बड़े होते हैं। और जब भी आप क्रीम या लोशन लगाते हो तो वो सिर्फ आपकी अपर लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके स्किन के अंदर नहीं जाते। वही सेरम क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत ही बारीक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि आपके जैसे ओपन पोर्स होते हैं ना, तो उसके अंदर से आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं और आपकी स्किन को अंदर से बेहतर बनाते हैं। तो ये होता है सेरम का काम। अब मैं बताती हूँ कि सेरम कितने तरह के होते हैं। सेरम होते हैं ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड,
ऑयल बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि ऑयली स्किन वाले उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो ऑयल बेस्ड सेरम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और उसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, आपके स्किन में बड़े आराम से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया कितने तरह के सेरम्स होते हैं। एंड नाउ सेरम हम लगाते कैसे हैं, देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कितने सारे स्टेप्स हो गए तो हम कैसे अप्लाई करें। तो आपने अगर फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद आपने अपना फेस टॉवल से पैक ड्राई कर लिया, उसके बाद आप लगाओगे टोनर या फेस मिस्ट। टोनर लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दो, आराम से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप लगाओगे फेस सेरम। और अब मैं बताती हूँ कितना लगता है फेस सेरम, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है फेस सेरम की, क्रीम्स और लोशंस की तरह नहीं लगता। 2-3 ड्रॉप्स बहुत सफिशिएंट होते हैं आपके पूरे फेस के लिए। और उसके बाद आप लगाओ मॉइस्चराइज़र। ज़रूर ऐसा नहीं होता कि सेरम लगाया उसके बाद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड सेरम है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। तो टोनर लगाया, देन सेरम एंड देन मॉइस्चराइज़र, और हर बीच में स्टेप के 10-20 सेकेंड्स का गैप आप ज़रूर रखिए। सो ये आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं सेरम के बारे में, सेरम होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और सेरम करता क्या है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी बॉटल बहुत ज़रूरी होती है आपकी स्किन केयर के लिए, ये मुझे भी अब पता चला है। अब मतलब थोड़ा टाइम पहले जब से मैं यूज़ कर रही थी और मुझे उसके रिजल्ट्स पता चले, तो मुझे पता चला एक्चुअल में हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो सेरम किन को लगाना चाहिए, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे कुछ मुझसे पूछते हैं कि जैसे हम 18 प्लस हैं, अब लगाएं, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, क्या एज होती है सेरम लगाने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप ग्लोइंग सेरम्स जो होते हैं, जो बेसिक ग्लोइंग सेरम्स होते हैं, वो तो 20+ 25+ लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेरम्स भी ट्राई करने हैं, कि वाइटामिन सी सेरम, जैसे मैं अब ये वाला ट्राई कर रही हूँ, तो मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने और अलग ब्रांड्स के यूज़ किए हुए हैं, तो मैं रोज़ सिर्फ सेरम यूज़ कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेरम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एज डिफाइंड है, बट हाँ 45+ या एंटी एजिंग सेरम्स जिनकी एज ऊपर है, तो वो प्लीज़ एंटी एजिंग सेरम्स वगैरह यूज़ करें, उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो आपके रिंकल्स और फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो या आप कह लो कि जो थोड़ा सा जल्दी आते हैं अर्ली एज में, वो थोड़ा सा आपका डिले हो जाएगा प्रोसेस। सो सेरम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो 40+ है वुमेंस, वो ज़रूर सेरम लगाएं, आप खुद का खुद डिफरेंस देखोगे अपनी स्किन में। एंड छोटी सी एक वीडियो बनानी थी, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसमें सेरम्स के बारे में। अगर आपको कुछ और भी अगर लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ नहीं बताया या आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।